नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप इस समय RN45 एजुकेशन पर। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार राज्य सरकार की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, BEd अभ्यर्थियों की पूरी निगाहें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, जो फैसला आने वाला था 9 अक्टूबर 2023 को। अब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ चुका है। बिहार राज्य सरकार ने BEd अभ्यर्थियों को PRT में शामिल करने के लिए जो केस दायर किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 9 अक्टूबर को आया। उन्होंने केस को डिस्पोज कर दिया है। हालांकि अभी भी इस केस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। उन्होंने बिहार सरकार को अलाउ किया है कि आप अपना केस वापस ले सकते हैं, दूसरे बेंच पे ले जा सकते हैं। तो बिहार राज्य सरकार ने वैसा ही किया है, उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है और अब बिहार राज्य सरकार भी इस केस को दूसरे बेंच पर ले जाएगी। यानी अब इस केस की सुनवाई जो है दूसरे बेंच पर होने वाली है। यानी अगर बिहार राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ तो पूरा मामला क्लियर है कि वहाँ पे BEd अभ्यर्थियों को PRT में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अब बिहार राज्य सरकार अगला कदम कौन सा लेती है और अब किस ठोस मुद्दे के साथ वापस केस दर्ज करती है, इस केस की सुनवाई कब तक होगी, किस बेंच पर होगी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर BEd अभ्यर्थियों की बात करें तो कुछ छात्रों ने ऑलरेडी केस दर्ज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और उनका फैसला जो आएगा 13 अक्टूबर को। अब BEd अभ्यर्थियों की निगाहें उस 13 अक्टूबर के फैसले पर टिकी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत कम चांस लग रहा है कि BEd को PRT में शामिल किया जाए 13 अक्टूबर को। अब क्या फैसला होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी BEd के पक्ष में या नहीं करेगी, ये तो 13 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन इसकी उम्मीद जो है काफ़ी कम बताई जा रही है। अब अगर KVS PRT रिजल्ट की बात करें तो ये रिजल्ट जो है इसी मामले पर टिका हुआ है कि 13 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी। इसीलिए KVS भी वेट कर रहा है 13 अक्टूबर तक। जैसे ही इस मामले की सुनवाई होगी 13 अक्टूबर को, उसके तुरंत बाद ही आपको KVS PRT का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर BPSC PRT रिजल्ट की बात करें तो उसमें अभी समय लग सकता है। BPSC की बात करें तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का रिजल्ट जो है आपको जल्द देखने को मिल सकता है। BPSC ने ऑलरेडी अपना अगला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पदों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की है इस बार। तो BEd अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस बार बिहार राज्य सरकार से। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे शिक्षकों की भर्ती आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है निकाला जाएगा और यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को 51,000 शिक्षकों की भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। और वहाँ पे भी अभी तक आशंका बनी हुई है कि क्या यूपी में BEd शामिल होगा या नहीं होगा। योगी सरकार ने भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि अभी भी BEd को PRT में शामिल नहीं किया जाएगा, डे बाई डे केस को टाला जाएगा। जैसे ही आपका चुनाव जो है नज़दीक आएगा वैसे ही इस मामले की सुनवाई पर गंभीर फैसला होगा। हो सकता है तब BEd को PRT में शामिल कर लिया जाए। तो मैं BEd अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपनी होप बना के रखिए। अगर BEd PRT में शामिल नहीं भी होता है तो आप लोग TJT PGT की तैयारी ढंग से करिए, क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय में वैकेंसी की वृद्धि होने वाली है और आगे चलकर BEd और DLED स्टूडेंट के लिए बराबर सीटें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।